तो स्वागत है दोस्तों टच द होराइजन में। मेरा नाम है निहाल और आज का ये वीडियो मेरे फर्स्ट व्लॉग के बारे में है जो मैंने दिवाली जो जयपुर की होती है उसके ऊपर शूट किया था और मैं पब्लिश क्यों नहीं किया। तो अगर आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि इसमें मैं कुछ 10-11 चीज़ें बताऊँगा कुल मिला के जिससे आपको अपना पहला वीडियो शूट करने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप अपने पहले ही वीडियो से इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए और आपके चैनल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो लोग व्लॉग नहीं क्रिएट करें या स्टार्ट नहीं करें वो यार ऐसे देख लो क्योंकि उनको जयपुर की दिवाली देखने मिल जाएगी इस बहाने से। तो मैं इस वीडियो में आपको मेरी फर्स्ट व्लॉग की क्लिप्स के थ्रू एग्जांपल के साथ समझाता जाऊंगा ताकि आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन यूट्यूब स्टूडियो में देखने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और खुशी मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको बताता जाता हूँ। तो यार व्लॉगिंग चैनल या कोई भी चैनल स्टार्ट करने से पहले चीज़ आती है चैनल स्टार्ट करना है, तो हम यही सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं हम। अब जैसे किसी को व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना है तो यार मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कैमरा नहीं है। दोस्तों कुछ हो या ना हो, अगर आपका मन है स्टार्ट करने का तो आप कर दीजिए। मैं भी ये फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, मेरे पास भी कैमरा नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो आप फ़ोन में ही एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका मन है तो आप उसी समय स्टार्ट कर दो क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा और आप अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो स्टार्ट करना तो सोचो मत और स्टार्ट कर दो। तो सबसे मेन चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। आप कहीं पे भी पब्लिक में खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ और इसी से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेट करती हैं। आपकी आवाज़, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप माइक के आगे आवाज़ में तेज़ बोल पाएंगे जिससे सुनाई अच्छा देगा व्लॉग में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके कैमरे का एंगल और आप जो बोलना चाह रहे हैं और फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना, जो कि आपके अगर कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर तो आप बोल पाएंगे। ट्रेन में आपको मैं आगे दिखा दूंगा, ट्रेन में बोलेंगे लोग आपको घूम के देखेंगे, आप मार्केट में बोलेंगे लोग आपको घूम के देखेंगे। तो यार ये देखो मैं ट्रेन की रिकॉर्डिंग कर रहा था और ट्रेन का व्लॉग बना था, ऊपर का लोगों ने पलट के देखा और मैं नीचे गया भी नहीं था और नीचे के भी घूम घूम कर देख रहे थे। और जैसे ही नीचे पहुंचा तब तो हालत देखो, सब ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हूं मैंने। तो यार ये देखो, ये दीदी ने तो खुद देखा ही देखा, फिर उन्होंने सोचा अरे मम्मी पापा को भी दिखाती हूँ, फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी दिखाया क्या चल रहा है वो देखो। बिल्कुल तो ऐसा होता है यार, लोग ऐसे देखते हैं। और अभी एक भैया हैं वो भी हाय करके जाएंगे, ये देखो। तो ऐसा सब चल रहा था और ये सब मैंने तब नोटिस नहीं किया, वापस आके जब रिकॉर्डिंग देख रहा था तब देखा। तो तब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका था और आने जाने वाले देख रहे थे। वो देखो जो बच्चा है ये पूरी तरह बिल्कुल शो का आनंद लेके जाएगा और हाय और सारी हरकतें करके जाएगा। ये देखो हाय चल रहा है और उसके बाद थोड़ा स्टाइल दिखाएंगे भैया, ये देखो। तो ऐसा चलता रहता है और आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी व्लॉगिंग पर कंसंट्रेट करना है, कैमरे की तरफ देखना है और इन सब चीज़ों को नहीं देखना है, तभी आप फुल कंसंट्रेशन से व्लॉग बना पाएंगे। और मेरे सारे ट्रैवल के व्लॉग और जो फूड व्लॉग हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप देखना और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कैसे इम्प्रूव किया और साथ में आपको ट्रैवल व्लॉग और फूड व्लॉग का आनंद भी मिलेगा। तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, प्लीज़ देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। अगर आप ऐसे ही जाके बोल रहे हैं तो आप बोल पाएंगे, लेकिन आपके हाथ में अगर कैमरा और माइक है ना तो लोगों का बहुत ज़्यादा अटेंशन खींचता है और सब आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आपको फ़र्क नहीं पड़े कि लोग आपके आसपास आपको देख रहे हैं। मेरे को भी लगता था कि मेरे में पब्लिक फियर नहीं है स्पीकिंग का या कैमरे के साथ मैं फ्रेंडली हूँ, तो मैंने भी स्टार्ट किया लेकिन जाके मेरे को प्रॉब्लम हुई और मेरे को भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ जिसको मैंने फिर ओवरकम किया। तो मैं आपको इसलिए बताऊं ताकि आप थोड़ा सा पहले से ही प्रैक्टिस कर लें कमरे में मिरर के आगे बोल के, कैमरे के आगे बोल के, ताकि जब आप अपना पहला व्लॉग बनाए या वीडियो शूट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है आपका इंट्रो, कैसे आप स्टार्ट करें। अभी जैसे आप देख पाएंगे कि दिवाली वाली वीडियो में कहीं मैं जहाँ पे लाइट है वहाँ पे भी वीडियो का स्टार्टिंग कर सकता था कि स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे या जैसे भी आपकी लाइन हो, लेकिन मैंने ये देखिए कमरे में किया। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सोच के प्लान करके चलिए। और कैमरे का एंगल एकदम सही होना चाहिए, आपको चेहरा दिखाई दे, आप जो पीछे दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाई दे। तो ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंस से ही रिलेटेड है, सारी आगे की भी चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं ये एक और चीज़ होनी चाहिए कि आप अपना फेस दिखा रहे हैं तो फेस पे लाइट है, जो जगह दिखा रहे हैं आप उसको ठीक से दिखा पाएँ। तो ये सब चीज़ कवर करने की थोड़ी सी आपको आदत होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होगा, जैसे मैं दिवाली वाला वीडियो शूट करने गया था, मेरे को जयपुर में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को दिखानी थी, लेकिन कोविड की वजह से या दिवाली की वजह से वो चीज़ शूट के लिए अवेलेबल नहीं थी या बंद कर दी थी। तो उस चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना। मैं एक दो बार घर वापस गया था, अगले दिन वापस आया कॉन्फिडेंस लेके। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बना के बिल्डअप करके पहले प्रैक्टिस करके चलें।
ताकि व्लॉग अच्छा शूट हो। और एक और मेन चीज आती है आपके व्लॉग में बताने का तरीका, आप उसके लिए थोड़ी सी स्टोरी बनाओ कि यार मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, हमारा ये करने का प्लान है, या जो भी आपका तरीका, आप अपना तरीका फॉलो करिए। आप जिस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि आप कैसे अपना कंटेंट लोगों तक डिलीवर करना चाहते हैं, और सीक्वेंस बनाओ उस हिसाब से, अगर आप अपना ब्लॉग शूट करोगे तो अच्छा शूट होगा। अब एक और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थंबनेल में आप कोशिश करिए अपने ब्लॉग में जो जो कवर किया है उसका मेन पार्ट या सब कुछ या जितना ज़्यादा दिखा पाएं वो आप दिखाएं, ताकि ऑडियंस उसको देख के अट्रैक्ट हो और आपका वीडियो देखे। तो यार दिवाली वाले व्लॉग के बाद मेरा पहला व्लॉग था ये मोमो, जिसका थंबनेल मैंने ये बनाया, और उसके बाद डोसा और पिज्ज़ा का भी बनाया फूड ब्लॉगिंग में, जिसके थंबनेल मैंने ये रखे और ज़्यादा डिटेलिंग देने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आप सामने देख पा रहे हैं। और अगर ट्रैवल व्लॉग की बात करें तो मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग था जयपुर टू पुणे, और उसके बाद मैं ऊटी गया था, तो मैंने सब में डिटेल्स देने की कोशिश करी और अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि जितना बता पाऊँ थंबनेल में ही बता दूँ, तो ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ है। दूसरा, अगर आप पब्लिक में खड़े हैं या किसी ऐसी जगह खड़े हैं ट्रैफिक ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, तो वहाँ पे हॉर्न या दूसरे नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो उस समय आप अपनी आवाज़ तेज़ करके माइक में बोलें ताकि क्लियरली सुनाई दे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे मेन चीज़ थी कॉन्फिडेंस आपका, और आपका कैमरे के सामने और पब्लिक के सामने बोलने का फियर। इसको आप घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करके आपको आइडिया लग जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ ही बोलिए, दोस्तों के बीच में बोलिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना फियर है और आप उसको कवर कर पाएंगे। और अपना व्लॉग या थोड़ा उससे पहले शूट करके दोस्तों को भेजें, उनसे हेल्प मांगे कि यार मैं अच्छा शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि तीन चार जो ओपिनियन होते हैं अच्छे जो दोस्त होते हैं वो ज़रूर बताते हैं। मेरे को भी मेरे दोस्त हेल्प कर रहे थे स्टार्टिंग में, या अभी भी कर रहे हैं कि यार ये कमी है, ये सुधार सकता है। तो आप लोगों को अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो यार ये सारे रीजंस थे जिस वजह से जो मैंने ऊपर मेंशन किए, जो मेरा पहला व्लॉग मैंने शूट किया था बहुत मन से दिल से, वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, पब्लिश नहीं कर पाया। और ये मैंने इसलिए सब बताया ताकि आप जब अपना पहला व्लॉग शूट करें बहुत दिल से मन से मेहनत से, तो उसे पब्लिश कर पाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपना अच्छा सा व्लॉग बना के पब्लिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने फ़ोन से व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करी, या जो मैं इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर बता दूंगा। तो आप एक बहुत छोटे से बजट में अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।